हेलो दोस्तों दोस्तों कि आजकल आप देख रहे हैं जून के महीने में कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे पौधे जो छत पे हैं या पूरे दिन धूप में रहते हैं 42-45 डिग्री सेल्सियस में। तो ऐसे हम अपने पौधों को बचाएं कैसे? अगर सुबह पानी डालते हैं शाम तक पूरा सूख मुरझाने लगते हैं और आप देख ही रहे हैं ना इनको मॉइस्चर। अभी सुबह का टाइम है देखो फिर भी मॉइस्चर है इसमें, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद 10 बजे तक सब सूख जाएगा। अभी अरवी है इसको एलोवेरा का देखो क्या हाल है, कितना सब कुछ करने के बावजूद एक ये ऐसी पोजीशन है। उसके इसके लिए भी हमने बहुत कुछ किया है तब है। बाकी हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो छत पे लगे हुए हैं, एक गुलाब देखो अभी निकलना शुरू हो रहा है यहाँ पे। इसको अभी अभी मैंने इसको पिछले हफ्ते कुछ डाला था जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये गर्मी के सीज़न में जो 42-45 डिग्री सेल्सियस में जो हमारे पौधे पूरे दिन धूप में हैं, देख रहे हैं आप, तो टमाटर सूख ही गया है। तो इनको सुरक्षित रखना, 2 महीना जीवित रखना, उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहते हैं कि जिससे आपके पौधे ये गर्मी को झेल जाएं। तो उसके लिए दोस्तों आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है कि हर सीज़न में जैसे रहते हैं वैसे तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपके ये गर्मी वो छोटी सी गमला है उसी के अंदर थोड़ा सा मिट्टी है, पूरे दिन में मिट्टी पूरी लाल हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए वही हम आपको बताएंगे कि एक तो आप सुबह सूरज उगने से पहले इनको पानी दो सुबह सुबह, क्योंकि क्योंकि सूरज निकलने से पहले दो, जिससे कि उन सूरज निकलने से पहले पूरी मिट्टी जो है वो पानी को अपने अंदर ले ले। धूप में पानी मत दो और शाम को पानी 7 बजे के बाद दीजिए जब पूरा अंधेरा होने लगे। दोनों टाइम पानी दीजिए एक तो, क्योंकि अगर आप दोनों टाइम पानी दोगे तो इनको ये बचे रहेंगे, वरना इनको बचाना इस गर्मी में बहुत मुश्किल है। सुबह उठो, सुबह के टाइम पे पानी दो और फिर शाम को पानी दो, और इनको कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र मत दो जो केमिकल, तो देना नहीं गर्मी में कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मत देना इनको, सिर्फ सुबह शाम पानी दो। और आप दे जो बताने जा रहा हूँ केले का छिलका, दोस्तों इस गर्मी में एक केले का छिलका है जो इनको अच्छी तरह से ज़िंदा रख सकता है। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं, ये हमने केले का छिलका लिया है, ये पानी देख रहे हैं आप कैसा हो गया है। कम से कम 2 दिन भिगोइए यार, जो भी केला आपके यहाँ आ रहा है आधा दर्जन एक दर्जन दो चार, छिलके को फेंको मत पूरे गर्मी, इनको अच्छी तरह से इसे मसल दो, 2 दिन रखना इनको भिगो के, इसके बाद इनको निकाल लो। छाए में रखना, अभी मैं इसको घर में रखा था उसके बावजूद पानी गर्म है, आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है गर्मी की, दिख रहा है आपको ये हालत, ये हो गया पानी, ठीक है। अब इसके अंदर आप इसको जितना है उसमें उतना पानी और मिला दीजिए, और सुबह के टाइम देना या रात को देना, धूप कतई धूप में कतई मत देना। तो देखिए अभी हो गए हैं तो इसको, जैसे 1 लीटर है ये, इसको हमें 2-3 पौधों में डालना है। देखिए
एक हफ्ता पहले मैं एक केला का पानी इनको दिया था, जिसकी वजह से देखो अभी ये सब ब्रांचेज आ रही हैं गुलाब के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मैं पूरा दिखाऊंगा, बहुत टाइम जाएगा। तो आप अगर आपके पास गमले में पौधे लगे हुए हैं या छत पे पड़े हैं या आंगन में जहाँ पूरे दिन धूप आती रहती है, ये गिलोय है, तो उसे आप इस गर्मी से बचाएं कैसे, सुबह शाम पानी दीजिए जब सूरज ना हुआ रहे और सूरज डूबने के बाद। और केले के छिलके को आप काट के पानी में दो दिन भिगोइए और उसके बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा दीजिए हफ्ते में, हर हफ्ते, तो आपके पौधे ये गर्मी झेल जाएंगे। ऐसे बहुत वीडियो आपने देखा होगा केले के छिलके में, छिलके के लिक्विड फर्टिलाइज़र का, लेकिन ये गर्मी के टाइम पे सिर्फ केला का छिलका ही है जो इनको ज़िंदा रख सकता है। ठीक है दोस्तों, अब भिंडी एक बार हमने इसको काट दिया है, अभी फिर से निकल रही है, इसके अंदर देखो भिंडियाँ आ रही हैं, क्योंकि जब भिंडी बड़ी हो जाए तो उसे काट देना चाहिए, तो फिर से कलप आती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो जैसा लगा हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना, और अपने पौधों को बचाइए गर्मी में। थैंक यू दोस्तों।